जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और मौज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। दोस्तों आज फारिग था तो मैंने कहा चलें आप दोस्तों से मुलाकात करवाऊँ और कुछ कबूतरों का शौक़ भी हो जाए, आप लोगों से गपशप भी हो जाए। तो अपने घर से मेरे ख्याल में 8-9 महीने के बाद लाइव आए कुछ ब्रीडर कबूतरों का जो है ना हाजिर शौक करवाऊँगा इंशाल्लाह। सब दोस्त सुनाए कैसे हैं, उम्मीद कर दो सभी दोस्त खैर आफियत के साथ हो गए। दोस्तों पहले तो वैसे एक एक करके वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो आज फारिग था मैंने कहा चले कुछ टाइम आप लोगों के साथ गपशप भी हो जाएगी, मुलाकात भी हो जाएगी, तो मैंने कहा चले हेलो हेलो कर लें। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे। वैसे आप लोगों के मैसेजेस तो मिलते रहते हैं मुख्तलिफ वे से, व्हाट्सएप पर भी आते रहते हैं और वैसे भी मुलाकात रहती है, फेसबुक पर भी आते हैं। तो सब दोस्त कैसे हैं ज़रा मैसेज करके अपनी मौजूदगी बताएं, सब दोस्त ठीक हैं। दोस्तों आज अपने ना कुछ आपको जो BSF वाली ब्लड लाइन से बाबा जी से आए हुए कबूतर हैं, कुछ नहीं सारे वहीं से आए हुए हैं। मेरे पास अक्सरियत कबूतर जो है उस्ताद मोहतरम बाबा अब्दुल सत्तार साहब से ही आए हुए हैं और कुछ जो पुराने कबूतर हैं वो मियाँ नज़ीर साहब के घर से आए हुए। ब्लड लाइन तो एक है, चाहे वो बाबा जी से आए चाहे वो मियाँ साहब के घर से आए, कबूतर तो वही होंगे क्योंकि जारी बात है जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं वो सबसे ज़्यादा वक़्त जो मियाँ साहब के साथ गुजरा हुआ बाबा जी के गुजरा हुआ उस्ताद मोहतरम का। आप लोगों ने अक्सर उनके इंटरव्यूज़ में भी बात शायद की होगी, बात जब वो करते हैं तो आपने सुनी होगी। और खुशकिस्मत इंसान हूँ उस्तादी शिगिर्दी के लिहाज से भी और उसके अलावा क्योंकि मुझे उस्ताद अल्लाह ने ऐसे नवाजे हैं कि जो मांगा उनसे, जो मांगने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती वैसे ही मिल जाता है, वैसे ही सारा कुछ माशाल्लाह वो खुद ही दे देते हैं। तो मेरे पास जितना कुछ भी मतलब कि मेरा तो साथ ही है 20-25-30 सालों का, 20 साल तो उस्तादी शिगिर्दी को हो गए, तो मेरे पास ये एहसास ही है मेरे उस्तादों के दिए हुए गिफ्ट्स हैं जो हल्के फुल्के से मेंटेन करके आगे चल रहे। अच्छा तो अभी मेरे साथ हैं जी जबीर उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम। नियाज गुल साहब क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल जबीर भाई काफ़ी दिनों के बाद ही आए हो, काफ़ी महीनों के बाद आए हो, बिल्कुल। नईम अख्तर साहब माशाल्लाह जी, अरफानुल्लाह खान साहब, आसफ़ भाई क्या हाल है, मयूर डान साहब माशाल्लाह जी, सुबल खैर, तालबल मसूबी तबीदी वसाती जी क्या हाल है, सुबह बखैर। अच्छा दोस्तों काइंडली मैं तो एक तो नोटिस के बगैर आजकल आ रहा हूँ क्योंकि बस टाइम का पता नहीं होता आगे क्या करना होता है, रूटीन में बस मसरूफियात और जो सिलसिले चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज आपको मज़ा आएगा। सारे दोस्त ज़रा मैसेज करके अपना हाल हवाल बता दें, सब दोस्त ठीक हैं, सब खैरियत से। और काइंडली ज़रा दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर। आज जो मेरे मेन ब्रीडर कबूतर हैं उनका आज आपको शौक करवाऊँगा, इकट्ठे चलो गपशप भी हो जाएगी आप लोगों के साथ। और उसके साथ साथ ये देखिए मैंने कुछ वैसे भी सेटअप कुछ नया बनाया हुआ, ये पीछे मेरे देख रहे हैं डबलों का सेटअप है, इस तरफ आपने जो देखा उसमें कुछ तस्वीर वाले स्कूल वाले साधना मुख्तलिफ जो है ना वो ब्लड लाइन्स हैं। और आज इंशाल्लाह कुछ और कबूतरों का भी शौक करवाऊँगा जो अभी तक नहीं दिखा सका, जो पुरानी ब्लड लाइन्स हैं उनका भी शौक करवाऊँगा। तो अलीवान साहब क्या हाल है, मयूर डान साहब क्या हाल है जी, मयूर साहब बड़े मुद्दतें हो गई आपसे गपशप नहीं लगी, तो काइंडली ज़रा वीडियो को शेयर करें। तो उतनी देर में मैंने तो वैसे भी आज फारिग था तो नाश्ता लेट किया, तो चाय अभी मेरी आई है तो मैं चाय साथ साथ पीता हूँ, साथ साथ गपशप भी लगाते हैं तो इंशाल्लाह साथ में बात भी होती है। अच्छा दोस्तों सबसे पहले तो उम्मीद करता हूँ खैर आफियत होंगे। दोस्तों आजकल वैसे मौसम तब्दील हो रहा है, पूरी दुनिया में तब्दील हो रहा है, ख़ासतौर पर पंजाब में तो थोड़ी सुकून की बढ़नी शुरू हो गई है, तो कबूतरों का ख़ास ख्याल रखा करें इन दिनों में। जी ठीक हो गया भाईजान, इस वक्त मेरे मंसूर अहमद भाई मेरे एंड से नेट भी ठीक है क्योंकि आज मैं घर हूँ, सिम से डाटा तो नहीं चल रहा, वाईफाई चल रहा है, वाईफाई मेरे माशाल्लाह अच्छा वाईफाई लगवाया हुआ है, तो मेरे एंड से तो नेट प्रॉब्लम नहीं करेगा, वैसे कोई और इशू होगा तो माशाल्लाह मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे एंड से बिल्कुल ठीक है। मंसूर भाई ज़रा बताइएगा क्या इशू आ रहा है वीडियो में, ये ज़रा बता दें।
किसी दोस्त ने चाय पीनी है तो आ जाएं, फिर उसके बाद चाय पी के लाइव शो करवाता हूँ आपको। आज जो मैंने माशाल्लाह ब्रीडर कबूतर है उनका आज आपको शो करवाऊंगा। मायूं भाई ज़रा वीडियो को शेयर भी कर दे साथ में फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर, ताकि और दोस्त शामिल हो सके। चाय पीने तक आप थोड़ा सा बर्दाश्त करें, वैसे गपशप लगाते हैं। ब्लर हो जाता है बस, शायद मैं धूप में बैठा हूँ। चले अभी सेट करता हूँ जब जी। आसिफ अली भाई क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम जी मौसमी साहब। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद निसार वागरा। कौन से पिजन है भाई जान? लगता है आप पहली दफ़ा है। मेरे पास सिर्फ मियाँ साहब वाले कबूतर है, उन्हीं का आपको शौक करवाऊंगा। कुछ उस्तादों की तरफ से आए हुए कबूतर, अभी पिछले दिनों एक जोड़ा फिर गिफ्ट हुआ है, उनका भी शौक करवाऊंगा। हिनो ब्लड लाइन से है, नर्मदा हिनो है, उनका भी साथ शौक करवाता हूँ। कुछ सलारों का करवाऊँगा, इंसान टैडी कबूतरों का शौक करवाऊँगा। हमें भी कोई गिफ्ट कर दें हमजद भाई, आप हुक्म करें। शुक्रिया मंसूर भाई, शुक्रिया निसार मलिक साहब। वीडियो क्लियर है, थैंक यू निसार भाई। ये दोस्तों मैं तो वैसे आजकल कुछ अजीब अजीब से मामला हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों की ताकत ही है जो ये काम करने पे मजबूर करती है। आप लोगों के साथ रहना, मिलना, मलाना, ये सब कुछ आप लोगों की वजह से मुमकिन हुआ। वरना थोड़े से अरसे में जितनी मोहब्बत आप लोगों ने दी है, कम लोगों को ही मिलती है। तो मैं उन लोगों में से, खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिनकी मोहब्बत, जिन्हें आप लोगों की मोहब्बत बड़ी जल्दी और अच्छी तरह मिली। माशाल्लाह मंसूर भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू निसार भाई। और दोस्तों काइंडली ज़रा वीडियो को शेयर कर दिया करें, क्योंकि मैं नागे काफ़ी आ जाते हैं, बस कुछ थोड़ा सा मसले मसाइल आजकल चल रहे हैं जिस वजह से। जी हसन बाटसम नदीम भाई, इफ़ यू डोंट माइंड। जी जी हसन भाई, मैं क्यों माइंड करूंगा, आप बताएं। मैं ना असल में चाय अपने राइट हैंड में पकड़ी हुई है हसन भाई, चाय मेरे राइट हैंड में और मोबाइल मेरे लेफ्ट हैंड में। आपको शायद वीडियो में ऐसा लग रहा होगा, लेकिन चाय मेरे राइट हैंड में है। अगर आप, मैं वैसे कोशिश तो मेरी यही होती है कि राइट हैंड से खाऊं पीऊं, कभी ऐसा हुआ नहीं। अगर हो गया तो उसके लिए मैं माजरा चाह दूँ। इंसान टैडी कबूतरों की दोस्तों कलर और उसके बाद जो उनकी आँख है ना, वो है। मैं आज आपको इंशाल्लाह इंसान टैडी कबूतरों का जो है ना वो शौक भी करवाऊंगा और उसकी पहचान भी। तो आँख जो है ना वो पहचान होती है इनकी। और जो सलारे, ओरिजिनल सलारे कबूतर हैं जो मुझे अपने उस्तादों के घरों से आए हुए हैं, उनका भी शौक करवाऊँगा। ठीक है जी। इमरान भाई क्या हाल है? मुदस्सर मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मलिक साहब? मैं ठीक हूँ। सईद बंगश माशाल्लाह, लव फ्रॉम सऊदी अरेबिया, थैंक यू। जी इमरान भाई वालेकुम सलाम, आप सुनाएं कैसे हैं, सब खैरियत है? बस चाय पीने तक बर्दाश्त करें, उसके बाद इंशाल्लाह आज शौक करवाऊंगा। उस्ताद नोमी जट साहब क्या हाल है जी? हसन बट साहब जी जी, मैं भी वीडियो में लग रहा हूँ, अल्लाह आपको सेहत दे, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। हसन भट साहब थैंक यू। एजाज बड़ाई साहब क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एजाज भाई, क्या हाल है आपके? ठीक हैं जी। जबीर भाई वालेकुम सलाम, माशाल्लाह काफ़ी दफ़ा आपके सलाम का जवाब मैंने दिया। नियाज गुल साहब वालेकुम सलाम। नदीम अख्तर भाई, आसिफ अली भाई, हाँ जी जबीर भाई, काफ़ी अरसे के बाद, कम अज़ कम 8 महीने के बाद अपने घर से लाए हुए, मतलब आज कबूतरों का जो शौक करवाने के लिए जो है ना जी। अली भाई एक क्वेश्चन, एक नहीं दो पूछें, जो आपका क्वेश्चन है पूछे पूछे मैं हाजिर हूँ जी। एडवोकेट अरफान हरिया साहब क्या हाल है? एक क्वेश्चन है उस्ताद जी। इमरान भाई एक नहीं दो सवाल पूछें, जो पूछना है दोस्तों पूछ लें, फिर उसके बाद जब शौक करवाया तो माशाल्लाह जी। एजाज भाई अल्लाह का करम ही होना चाहिए। सईद बंगश साहब, नदीम भाई सलारे कबूतरों का शौक करवाएं। सईद भाई मैं अभी करवा तो बस चाय पी लेने दें मुझे, क्योंकि आज नाश्ता भी लेट है। इमरान पीटीआई खान एक क्वेश्चन है, आप एक नहीं दो सवाल पूछे पूछे क्या पूछना चाह रहे हैं?
आज इंशाल्लाह गपशप भी साथ साथ करेंगे, कबूतरों का शौक भी होगा, गपशप भी होगी। इमरान भाई पूछे क्या सवाल है आपका, मैं वेट कर रहा हूँ, आगे फिर ही बढ़ूंगा। मयूरान बड़े मुद्दा हो गई आपने बात की, जी वाह जट साहब आ गए ने, चौधरी मुबशर अली वाला जट साहब जी, जुनेद भट्ट साहब माशाल्लाह, क्या हाल है सब दोस्तों को, काइंडली ज़रा वीडियो को शेयर भी कर दें फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर। अच्छा दोस्तों, पहले कौन से कबूतरों का, मन्ना गुजर माशाल्लाह जी, गुजर साहब की हाल है, मेरे कबूतर जाते हैं मैं सारा दिन वेट करता हूँ पर वापस नहीं आते। इमरान भाई उनको उनके जोड़े बेहतर लगाएं, मेरे पिछले दिनों मैंने एक इंटरव्यू किया है जो बाबा अब्दुल सत्तार साहब का, मेरी ज़िंदगी के सारे इंटरव्यू एक साइड पर रख लें, सारी बातें एक साइड पर रख लें, वो वाला इंटरव्यू एक साइड पर, बाबा अब्दुल सत्तार साहब वाला जो मेरे उस्ताद मोहतरम उन वाला ना इंटरव्यू, अबू बकर टाटिस नारोवाल, काशिप बाजवा साहब आपका भी मैसेज आया तो मैं जवाब ज़रूर देता हूँ, क्यों नहीं देना जवाब, वो इंटरव्यू लाजमी देखें। इमरान भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी, साबर जट साहब वालेकुम सलाम, इमरान यूसुफ भाई वालेकुम सलाम, क्या हाल है इमरान भाई आपके, ठीक है इमरान यूसुफ भाई मेरे पुराने यार सब्सक्राइबर और फॉलोअर हैं, मोहब्बत करने वाले, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी सभी दोस्तों को दे, सभी दोस्तों को अल्लाह लंबी ज़िंदगी अता करें। मोहम्मद अली हसन साहब भाईजन क्या हाल है, मोहम्मद अली भाई मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं, सब खैरियत है। अच्छा आप इमरान भाई आप, मैं बात ये कर रहा था कि मैंने ना पिछले दिनों बाबा जी का एक इंटरव्यू तो मैंने बाबा जी के भी काफ़ी किए, लेकिन उसमें जो मैंने इस इंटरव्यू से पिछला जो इंटरव्यू है मेरा सेकंड लास्ट इंटरव्यू होगा, वो इंटरव्यू ज़रूर देख लें, जो बंदा वो इंटरव्यू देख कर नहीं सीख सका वो नेट से, जो इतनी मेहनत हम लोग करते हैं इधर जा उधर जा मुख्तलिफ साजा कराम से गुफ्तगू गपशप सवालात वो सारे फारग हो जाते हैं अगर उस इंटरव्यू से कुछ नहीं सीखा। सईद बंगेसा नदीम भाई बाबा अब्दुल सत्तार को अल्लाह और ज़िंदगी दे, बिल्कुल जी बिल्कुल इंशाल्लाह। नदीम भाई कमग्गर कबूतर आज कमग्गर भी दिखाऊँगा आपको। भाई जान ट्रैक्टर लगवाने की ज़रूरत नहीं, इमरान भाई ट्रैक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं, उसकी आँखें ट्रैकर होती हैं, कबूतरों की आँखें ट्रैकर होती हैं, उनकी आँखों को ठीक कर लो कबूतर घर वापस आना शुरू हो जाएगा, सारा कुछ होता है लेकिन 95% कबूतर की आँख में होती है। चलो माशाल्लाह सईद भाई वो वीडियो बार बार देखे, जहाँ समझना है मुझसे पूछ ले, बाबा जी का नंबर भी है सभी दोस्तों के पास, बाबा जी से पूछे, बाबा जी भी दिल खोल के बताते हैं, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, मुझे तो उन्होंने सीधी सी बात मैं तो कहूँगा कि उन्होंने रंग लगाया हुआ। तो जी मैं चोई साहब वाला भी एक जोड़ा आपको दिखाऊंगा 10 नंबर कबूतरों को। चलें दोस्तों मैं ज़रा कैमरा सेट कर लूँ, ठीक है फिर आज आपको शौक शुरू करवाते हैं। कैमरा सेट कर लूँ दोस्तों उसके बाद शुरू करते हैं माशाल्लाह, और आज मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बस थोड़ा सा कैमरे का इंतज़ार करें सेटिंग का, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को। चलिए अच्छा दोस्तों पहले ज़रा डब वाले जोड़ों का कुछ का डब वालों का हिने कबूतरों का शौक करवा दो। ये लें दोस्तों वीडियो बताइएगा क्लियर है, ये दोस्तों लाल परी कबूतर है, आज थोड़ा थोड़ा ना इन कबूतरों की आपको मतलब पहचान, लाल परी डबले हिनो रोजे इन कबूतरों की कुछ पहचान और परख के मुतालिक भी साथ साथ डिस्कस करेंगे माशाल्लाह जी। राजा एहसान नदीम भाई कबूतर की आंख के जर्रों से
कैसे मालूम होता है इसमें कौन सी नस्ल है भाईजान, उसका कलर जो होता है वो बता। अच्छा दोस्तों, ये आप कबूतर देख रहे हैं, इसका जेन्युइन टिपिकल कलर जो है ना वो डबल है। ये बाबा जी वाले टिपिकल कबूतर, आप इसकी डब देख रहे हैं, ये जेन्युइन। लेकिन ये कबूतर लाल परी है, इसका कलर डबल है लेकिन लाल परी है, लाल परी और डबल है। अब इसमें फ़र्क कहाँ पड़ता है, अब ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह के जो मेरा ये कबूतर है ओरिजिनल डबल है। वीडियो ज़रा काइंडली बता दें भाई जान राजा एहसान भाई, मैं इंशाल्लाह साथ साथ आपके सवाल के जो जवाब आते हैं उनका भी उनको भी देता हूँ, लेकिन ये ज़रा देखें वीडियो, मुझे ज़रा बता दें क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ूँ। अब मैं आपको एक जोड़ा दिखाने लगूँ दोस्तों, ये नारा है, इसके साथ जो मादा है वो ओरिजिनल डबल ही है, और नर जो है ना वो बिल्कुल 16 आने जिसे कहते हैं ना कबूतर जो है लाल परी है, ये लाल परी है, ओरिजिनल लाल परी है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है दोस्तों, वीडियो ज़रा बता दें क्लियर है, ठीक है। अब ये ज़रा इसकी आँख का शौक कीजिएगा, ये दोस्तों इसकी आँख देख रहे हैं, इस तरफ से शौक करवाता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अब ये दोस्तों इस कबूतर की आँख देख रहे हैं, बिल्कुल टैडियों जैसी हैं, क्योंकि इसका जो लाल परी ब्लड लाइन होती है वो बनती ही ओरिजिनल डब वाले होंगे मियाँ साहब वाले, और ओरिजिनल सलारे होंगे मियाँ साहब वाले, तो हो गए जो लाल परी कबूतर होंगे उनकी ये आँख होगी। ये रिंग देख रहे हैं इसकी, अब जो मैं जोड़ा दिखा रहा हूँ ना, ये मादा है, ये सॉरी नारा, तो इसके साथ जो मादा होगी ना वो ओरिजिनल डब वाली है। अब फ़र्क क्या होगा, अब इसकी आँख आप देख रहे हैं, गौर से देख लें इसकी आँख, ये ओरिजिनल कबूतर लाल परी है। मैंने शुरू इसी से किया क्योंकि कुछ दोस्तों का ये शिकवा था कि उन्हें पता नहीं चलता। अब ज़रा अली भाई बताइएगा, ये ज़रा पर देखे माशाल्लाह शौक करें, अब बताइएगा वीडियो की क्वालिटी की ज़रा अली भाई बता दीजिएगा, नहीं तो मैं कैमरे स्टैंड की जगह बदल देता हूँ। ये पर देखे, ये ओरिजिनल लाल परी ब्रीड है और बाबा जी के घर की आई हुई, ठीक है। वीडियो बताइएगा अली भाई, अब ठीक है कि जगह बदल लो, चले मैं जगह बदलने की कोशिश करता हूँ। आप बताएं जी वीडियो क्वालिटी ठीक है कि वहीं ठीक थी, ये देखिए अली भाई कर लिया है जगह चेंज, ये माशाल्लाह देखे ये ओरिजिनल। आप जरा बताइएगा क्योंकि मैंने जगह चेंज कर ली है, जगह चेंज कर दी है, फिर बताएं मैं आगे चलूं। ये दोस्तों कलर देख रहे हैं, ये कबूतर की इसकी आपने आंख भी देखी, ये इसके पर देख ले माशाल्लाह, ये ओरिजिनल लाल परी है माशाल्लाह शौक करे। ठीक है, ये दुम देखिएगा, चलो ठीक हो गया ये माशाल्लाह, और ये पंजे शंजे देख लें, ये फुल व्यू देख लें। अब ये जो मैंने आपको नर दिखाया इसके साथ जो मादा दिखाऊंगा वो ओरिजिनल डब वाली है, और इसमें बच्चे जो बनेंगे ओरिजिनल माशाल्लाह डब वाले बनेंगे। अब ये देख रहे हैं ये नर है, अब इसकी मादा दिखाता हूँ, अच्छा दोस्तों अभी जो नर दिखाया वो ओरिजिनल लाल परी था, और ये ओरिजिनल डबल ही है मादा, ठीक है। ये इसका कलर देखे, ये कलर देख रहे हैं माशाल्लाह, ये डबलों का कलर है, ये भी दस्ती साफ पट्टी है, मतलब इसने फ्रेश जो है ना वो दस्ती की है, तो अभी बच्चे निकाली बैठी है मेरे पास, तो ये ज़रा शौक करें माशाल्लाह। अभी इसकी आँख में आपको दिखाऊँगा
अब जो फर्क पड़ता है इसका दोस्तों, लाल परी और डब वाले कबूतरों की आंख का, तो वो ये फर्क है। ठीक है, अब ये इसकी आंख देख रहे हैं आप, उस कबूतर की आपने आंख देखी थी, ठीक है, और अब इस मादा की भी आंख देखी, ये अब क्लियर हो गई। ठीक है, ये दोस्तों ओरिजिनल डबल ही है मादा। ये इसकी जरा आंख देखिए, ये दोस्तों ओरिजिनल आंख होती है डब वालों की। ठीक है, अब ये माशाल्लाह मादी चेक करें, ये ओरिजिनल डब वाली है, ये माशाल्लाह इसका पर देखिएगा, माशाल्लाह पर देखे, ये डबल ही मादा, और कबूतर जो है ना वो ओरिजिनल लाल परी था माशाल्लाह, ये दम देखे, ये पंजों का शौक करें। नहीं दोस्तों वीडियो का लगता मजा नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा, आज तो बस अकेला हूँ, अब लगता ठीक है। ये इसके साथ अभी आपको कुछ स्कूल वाले एक मेन ब्रीडर कबूतर का शौक, जोड़ों का शौक करवाता हूँ, मजा आएगा इंशाल्लाह। जी ठीक हो गया, अब क्लियर है। ठीक है, ये मादी का शौक कर, अभी जो है ना वो एक जो मेन मेरा हिनो जोड़ा जो बाबा जी से आया उसका शौक करवाता हूँ आपको। चले, ये दोस्तों अभी जो पहले आपको दिखाए वो लाल परी कबूतर था, अब दोस्तों वीडियो क्लियर है, ठीक हो गया। पहले जो आपको दिखाए उसमें लाल परी कबूतर था और मादा उसके साथ ओरिजिनल डब वाली थी, अभी आपको जो हिनो है ना उसका शौक करवाने लगा। दोस्तों इनकी आंखों का भी फर्क होता है और इनके जो कलर होता है जिस्म का परों का वो भी फर्क होता है। अब ये ओरिजिनल हिनो है लेकिन बने हुए डब वालों से ही है। ठीक है, अब इस मादा का शौक करें ज़रा, ये भी मुझे रिसेंटली जोड़ा है अभी कुछ दिन पहले, ये हिनो मादा माशाल्लाह, परों का शौक करें, उसके बाद आँख का भी करवाता हूँ। ये देखें पर देखें, हिनो ब्रीडर पेयर है, ये बाबा जी से अभी गिफ्ट हुआ मुझे, ये ज़रा इसकी आँख का शौक करवाता हूँ दोस्तों। ये दोस्तों आंख देखे, अब आपने डब वाले की भी आंख देखी, लाल परी की भी देखी, अब ये डब वालों में से एक और ब्रीड है जिसे हम हिनो कहते हैं, ये हिनो मादा है, माशाल्लाह शौक करें सब। ये जरा दूसरी आंख का भी शौक कीजिएगा, अभी जरा वीडियो थोड़ी सी क्लियर कर लो फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये जरा देखे, ये दोस्तों हिनो मादा,
माशाल्लाह शौक करें सब भाई। ये दोस्तों परों का शौक करें माशाल्लाह, पर देखें कैसे शानदार पर है इसका। दूसरा पर भी देखें, परों की बनावट, बनतर, सीक्वेंस माशाल्लाह, धूम देखें, बिल्कुल बैलेंस। ठीक है, ये जरा पंजों का शौक करें माशाल्लाह। इसके साथ अभी जो नारा है उसका भी आपको शौक करवाता हूँ माशाल्लाह। ये दोस्तों इसी के साथ लगा हुआ जोड़ा है माशाल्लाह, शौक करे सब भाई, मजा आएगा। ये मेल का शौक करे मुझे, ये माशाल्लाह माशाल्लाह ओरिजिनल हिनो नर भी बाबा जी से लगा हुआ जोड़ा गिफ्ट हुआ माशाल्लाह, शौक करे सब भाई। परों का शौक कीजिएगा, ये देखिए क्रीज में है कबूतर माशाल्लाह, क्रीज में है। तुम देखिए कैसी बैलेंस है, पंजों का शौक करें। अभी दोस्तों एक और आपको बड़े डबल और हीनो मादा का शौक करवा दो, मजा आएगा इंशाल्लाह। ये दोस्तों ये भी मियां साहब से आया हुआ, मियां नज़ीर साहब के घर से आया हुआ नारा माशाल्लाह, शौक करे इसका। देखिए इसे अभी तक कड़ी भी पड़ी हुई है, कड़ी भी अभी तक वही पड़ी हुई है माशाल्लाह। इस कबूतर का भी दोस्तों आपको मज़ा आएगा, मेरा बड़ा अच्छा और शानदार कबूतर है माशाल्लाह। ये देखिए ये भी डबल ही ब्लड लाइन है,
माशाल्लाह जी, इसकी आँख देखेंगे दोस्तों, मज़ा आएगा। ये ओरिजिनल दोस्तों डब्बल है, ये दोस्तों ओरिजिनल डब वाली आँख ये थी, माशाल्लाह आँख देखे, रिंग देखे, जमीन देखे, इसके रिंग चेक करें ये दोस्तों ओरिजिनल डब वाला, इसमें कोई क्रॉस नहीं है। ठीक है, इसका प्रेशर देखें, ये दोस्तों पर देखिएगा, पर देखिए, ये दोस्तों ओरिजिनल डबल वेल, ये जरा दूसरा पर भी देखे माशाल्लाह, ये दुम देखे, ये पंजे देखे, अभी तक इसको कड़ी भी पड़ी हुई है। इसके साथ जो हिनो मादा है उसका आपको शो करवाता हूँ, ये दोस्तों हिनो मादा भी जो नर दिखाया उसके साथ लगी, ये दोस्तों हिनो मादा, ये जरा दूसरी आंख का शौक करें माशाल्लाह, ये दोस्तों मादा ज़रा वज़नी है, मतलब मादा ज़रा अंडों पे, पर देखिए और वैसे भी क्रीज पे है माशाल्लाह।
ये दोस्तों कुछ लाल आंख वाले कबूतर, माशाल्लाह शौक कीजिएगा इनका। मेरे बड़े शानदार पुराने कबूतर है लाल आंख। ये मियां नज़ीर साहब के हाथ से दिया हुआ ब्लड लाइन है जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दी थी। इसका शौक करें माशाल्लाह। दोस्तों इस कबूतर को जरा बड़े गौर से देखिएगा। माशाल्लाह शौक करें जरा। इधर पर देखें ये सब वाले पुराने जो लाल आंख वाले कबूतर थे, ये इन्हीं से चले हैं सारे, तस्वीर वाले, स्कूल वाले, सारे ये वो इन्हीं कबूतरों से बने। मैं अभी इसकी मादा का भी शौक करवा दूँ। ये दोस्तों अभी जो नर आपको दिखाया, ये मादा उसी के साथ है। ये मेरा ओरिजिनल जोड़ा लगा हुआ है माशाल्लाह। थोड़ा सा पीछे करके देखते हैं, जब धूप तकरीबन सभी तरफ आ गई, अब ये शो करे इस मादा। ये सेम ब्लड लाइन में लगे हुए हैं। माशाल्लाह शौक करें ये ओरिजिनल कबूतर है दोस्तों। ये सब वाले ऊपर देखिए इनके, ये पुरानी ब्लड लाइन्स है माशाल्लाह। दूसरा ऊपर भी देखिए, मादा पर निकाल रही है, वैसे भी अंडों पे बिल्कुल तैयार अंडों पे, इसलिए ज़्यादा देर नहीं दिखाऊंगा, उल्टा करके नहीं लिखा हुआ। एक दोस्तों अभी सलारे कबूतर का शौक करवाता हूँ आपको।
ये दोस्तों ओरिजिनल सलारा कबूतर, ये नजीर साहब वाली ब्लड लाइन्स। ये ज़रा इसका कलर देखिए, माशाल्लाह पर्शर देखिए। और दोस्तों लगता है सूरज ने वीडियो क्लियर नहीं करने देनी, बिल्कुल नहीं क्लियर करने दे रहा। बिल्कुल सूरज साहब आए सर पे और वीडियो प्रॉब्लम किए जा रही है। ये माशाल्लाह शो कर रहे सब। ये दोस्तों ओरिजिनल सलारा कबूतर है मेरा। इसकी माँ इंसान टड़ी थी, बाप सलारा था। और इस आंख में दोनों का अक्स नजर आ रहा है। चलो इधर से दिखा तो ये देखे, माशाल्लाह ये सलारा कबूतर है। इसके बच्चे का भी आपको चलो शौक करवाता हूँ। छोटे बच्चे नहीं दिखाता, लेकिन आज आपको वो भी दिखाता हूँ कि क्या चीजें होती हैं सलारे कबूतर। अब हर बंदे ही कहता है सलारे सलारे होते हैं, लेकिन ये पर देखे माशाल्लाह ओरिजिनल सलारा है दोस्त। छोटा सा बच्चा, अभी कलियां भी पूरी नहीं की, लेकिन शौक करवाता हूँ आपको। ये सलारे हैं माशाल्लाह, ठीक है। अभी इसके बच्चे का शौक करवा, ये देखें दोस्त। ये अभी जो आपको नर दिखाया ना, ओरिजिनल सलारा था, ये भी उसका बच्चा है। परशर देखे माशाल्लाह, पर देख रहे, परों की बनावट देख रहे। आठवां पर, नौवां पर और दसवां पर, इसकी बनावट देख रहे। ये पर देखिए, आज अकेला हूँ दोस्तों, इसलिए ज़रा थोड़ी सी वीडियो पे प्रॉब्लम कर रही। ये दोस्तों शौक कर रहा है, ये कलर अपने बाप पे गया है। एक दोस्तों आपको सिर्फ इंसान टड़ी मादा का आप शौक करवाता हूँ, बाकी फिर इंशाल्लाह फिर किसी। तो क्या करी है, अच्छा दोस्तों शुरू में बात हुई थी सलारे। अभी जो एक कबूतर आपको मैंने दिखाया ना, वो सलारा था, और ये इंसान टड़ी है। ये माशाल्लाह इनके मोरे, इनका कलर और इनकी आँख का जो कलर होता है वो बताता है, फर्क बताता है, ठीक है। ये ज़रा इसका शौक कर ले, माशाल्लाह इंसान टड़ी है, सलारों में से नहीं है। बस दोस्तों थोड़ा सा वेट, ये देखें इधर से दिखाता हूँ, इधर से एक्सपर्ट रहा। ये दोस्तों इंसान टड़ी आँख सलारे की और इंसान टड़ी की,
ये फर्क होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों अब दीजिएगा इजाज़त, फ़ीमन अल्लाह हाफ़िज़।